तो जैसा कि देख रहे हैं, हम नोटिस डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। जितना भी कैंडिडेट यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम दिए थे 17 तारीख को और 18 तारीख को, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, नोटिस में जो लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा निरस्त किए जाने के संबंध में, यानी आपका जो एग्ज़ाम लिया गया था तो उसका जो है ना एग्ज़ाम को कैंसिल यानी रद्द करने के लिए यहाँ पर सूचना जारी किया गया है। देखेंगे तो चौबीस यहाँ पर देंगे तो 24 फरवरी के ही डेट में ये नोटिस जारी किया गया है। और यहाँ पर नीचे जो लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 फरवरी और 18 फरवरी को आपको आयोजित किया गया था, जो कि बहुत सारे बच्चों लोग भी एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, 17 तारीख और 18 तारीख किया गया था। उक्त परीक्षा के लिखित परीक्षा के दोनों तिथियों के द्वितीय पाली के प्रश्न पत्रों के अनुचित तरीके से निर्धारित समय से पूर्व ही प्रसारित होने के संबंध में प्राप्त सूचनाओं एवं प्रत्यावेदनों के आलोक में परीक्षा की विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं शुचिता बनाए रखने के दृष्टिगत दिनांक 17/2/24 एवं 18/2/24 के सभी पालियों की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए जाने के निर्णय लिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे लिखा गया है कि उपक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा पुनः शीघ्र आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के संबंध में दिनांक 23/12/23 को प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन करने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर पुनः प्रदान किया जाएगा। परीक्षा की तिथि तथा अन्य प्रासंगिक सूचनाएं यथा समय ऑफिशियल वेबसाइट जो दिया गया है इस वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। नोटिस में जो बताया गया, ठीक है, कि 17 फरवरी और 18 फरवरी को, तो यहाँ पे सभी पालियों की लिखित परीक्षा आपको है ना निरस्त किया जाता है, यानी निरस्त किया गया है, ठीक है, यानी एग्ज़ाम जो है आपको कैंसिल कर दिया गया है, यानी फिर से आपको दोबारा आपको एग्ज़ाम देना होगा। जैसे क्लियर यहाँ पर लिखा गया है कि दिनांक 17/2/24 एवं 18/2/24 की सभी पालियों की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए जाने के निर्णय लिया गया है, ठीक है। सबको जो परीक्षा है यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से आपको नया एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको जाके चेक कर रहना है, ठीक है। इसका कोई अपडेट आता है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे न्यू एग्जाम डेट के लेकर या एडमिट कार्ड को लेकर इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। जब तक मेरे चैनल में बंद रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लियर आपको नोटिस के माध्यम से बता दिया गया है, ठीक है, कि आपका जो है सभी पालियों का जो एग्ज़ाम है कैंसिल कर दिया गया है, फिर से री एग्ज़ाम होगा, यानी फिर से दोबारा आपको एग्ज़ाम देना होगा। और इसका कब एग्जाम डेट आएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, इसके रिगार्डिंग जैसी कोई सूचना जारी होता है तो इस चैनल पे आपको अपडेट मिलेगा। तो जब तक मेरे चैनल पर बना रहे, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।